नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। गंज बसोदा जन चिकित्सालय प्रबंधन की घोर लापरवाही, मृत बताकर नवजात बच्चे को किया परिजनों के सुपुर्द, घंटों बाद शमशान में नवजात बच्चा निकला जीवित। मीडिया के खबर उठाने पर चेता अस्पताल प्रशासन, जीवित नवजात बच्चे को किया विदिशा जिला अस्पताल रेफर। जन चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर चिराड ने स्वयं माना कि अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही। डॉक्टर को बचाने ढींगरा नर्स पर फोड़ा, कार्रवाई की प्रस्तावित। जी हां, गंज वासौदा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय की घोर लापरवाही सामने आई, जब आज ग्राम वनवा जागीर की एक महिला संगीता उर्फ सोनम पति बबलू प्रजापति गर्भवती होने के उपरांत अस्पताल में भर्ती हुई। सुबह करीब 11 बजे महिला के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। व्रत का करिश्मा था कि महिला को गर्भधारण किए अभी 6 माह भी पूर्ण नहीं हुए थे कि उसकी डिलीवरी हो गई, लेकिन शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय की घोर लापरवाही देखिए कि अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर नर्स ने बिना चेक किए यह कहकर नवजात बच्चे को परिजनों को सुपुर्द कर दिया कि बच्चा मृत है। उनके अनुसार 5 से 6 माह का बच्चा जीवित नहीं रह सकता। बच्चे का वजन 400 ग्राम था। जब अंतिम संस्कार के लिए परिजन शमशान में गड्ढा खोद कर बैठे थे, उस समय नवजात बच्चे के हाथ पैर हिल रहे थे और नवजात रो रहा था। परिजन ने जब इसकी सूचना मीडिया को दी, तब मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उस नवजात बच्चे को अस्पताल प्रबंधन द्वारा चेक कर विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया और लापरवाह नर्स पर कार्रवाई प्रस्तावित की गई। मध्य प्रदेश गंज वासौदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। फिर उन्होंने बोतल वगैरह लगाई, इंजेक्शन बोतल। 7 बजे आए तो उनका भी पेट था, 10 बजे डिलीवरी हुई। उन्होंने लड़का हुआ वो, हम तो पड़े रहे। हमने सिस्टर से बोला क्या हुआ है बता दो, 3 बेटियां थी। उन्होंने कहा जो कचू भी हुआ रखा है आप तो पड़ी रहे। 2 घंटा तो हमारे सामने ही रखा रहा बच्चा, फिर हम पलंग कर दिया और उसको पति को दे दिया। पति लेके चले गए थे उसको, तो उधर पे रखा उन्होंने तो उसका हाथ पैर भी चले और उसने ना अंगूठा पैर का मुंह में भी दिया। रिपोर्टिंग भी है मोबाइल में हमारे। फिर हमारे पति से घर वाले लेकर आए अस्पताल। इधर तो मैडम ने ना उसको वजन किए ना बताया। बाबलू प्रजापति, सोनम प्रजापति, 5.5 महीने आई। इसके बाद में उनने क्या ट्रीटमेंट करा, और मैडम भी 9 बजे का समय है, 9 बजे का समय, और मैडम आई कम से कम 10:30 बजे, ठीक है ना। मैडम की गलती है क्योंकि दिक्कत हमारे काज है ही, मैडम की गलती है। कौन की लीना मैडम? मैडम ने डिलीवरी के बाद क्या बच्चे को क्या बताया? मरा घोषित कर दिया। अच्छा, मैडम ने कौन है? लीना मैडम ने। हाँ हाँ, लीना मैडम ने करी या उनकी सिस्टर ने करी? मतलब जो उनके उनने बोला कह ले बच्चा खत्म हो गया। हाँ, तो हम ले आए। हाँ, उसकी सांस अबे समय कितना हो रही है? हाँ, कितना हो रही है उसकी सांस? हाथ पैर सब चल रहे हैं अभी तक। तो दफना ना वो गड्ढा खुला है, गड्ढा देखो तुम तो। हाँ, गड्ढा खुदा अभी तक, मतलब मेरे हिसाब से 10:45 बजे गड्ढा खुदा है, अभी तक गड्ढा खुदा है। और हम हाथ में रखे बच्चे का, जे बच्चा मूवमेंट कर रहा है पूरा, बच्चा अबे पूरे हाथ पर चल रहा बच्चे के, रो भी रहा। संगीता प्रजापति नाम है, लगभग 4.5-5 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी, तो उसकी डिलीवरी हुई थी हमारे यहाँ पे। बच्चा काफ़ी कमज़ोर था, लगभग 350-400 ग्राम के करीब का था। हमारे यहाँ के स्टाफ नर्स ने उसको देखा, उनके हिसाब से वो बच्चा मृत था, लेकिन उन्होंने उसकी पुष्टि किसी डॉक्टर से नहीं करवाई और परिजनों को बच्चा सौंप दिया गया।
कुछ घंटे के पश्चात बच्चा मालूम पड़ा कि वो जिंदा है और परिजन उसको वापस अस्पताल लेकर आए। मेरे यहाँ के डॉक्टरों ने देखा जिंदा था, उसको जिला चिकित्सालय हमेशा रेफर किया। हालांकि बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, 300 ग्राम का बच्चा है, मतलब एक चमत्कार जैसे ही कहें कि बच्चा 3 दिन तक जिंदा रहा। लेकिन फिर भी इसमें स्टाफ नर्स की गलती है, जिसने किसी भी डॉक्टर को बिना दिखाए पुष्टि कराए हुए बच्चे को फैमिली मेम्बर्स के लिए सौंप दिया। इसके लिए कमज़ोर लापरवाही है, इसके लिए पालन प्रतिवेदन में इनके खिलाफ़ स्टाफ नर्स के खिलाफ लिख रहा हूँ, उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। इस चीज़ के लिए डॉक्टर लीना शर्मा ने प्रसूता को देखा, बच्चे के लिए नहीं देखा, ठीक है, प्रसूता को देखा, बच्चे के लिए नहीं देखा है, प्रसूता को उन्होंने देखा है और उन्होंने बताया है, सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है ना। इसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से निकली है। यही तो उन्होंने गलती की है। सर कौन सिस्टर हैं? सर रानी कुशवा सिस्टर थी उस टाइम समय ड्यूटी पर, जिन्होंने इसकी उनका प्रसव करवाया था। रिश्ता तो एक दिख रहा है, बाकी जांच आगे बढ़ेगी, जांच में सबके बयान लिए जाएंगे, इसके अलावा भी कोई दोषी अगर निकलता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।